एक थर्ड पर्सन को 40-60, 50-60 में जो भी है देकर प्रॉपर्टी पूरी बेचकर खा रहा है। अढ़ाई साल से मैं पीछा ले रहा प्रॉपर्टी का, अढ़ाई साल से ना रही शेयर रुक रहे, ना वहाँ पे काम रुक रहा, ना हमारे साथ वहाँ जाकर कभी विजिट करें। पहले ये जो मुतवल्ली है अनवर बेग, उनका नाम पहले डिस्क्वालीफाई करना, डिलीट कर देना अजीत से, मुतवल्ली शिप को खत्म कर देना इमीडिएट, उसको वो मुतवल्ली को डिस्क्वालीफाई करो सर, डिस्क्वालीफाई करना। पूरे पाड़ा लगाए हूँ मैं, पूरे पाड़ा लगाए हूँ उनके फैमिली मेंबर के नाम, उनके नाम से मोटेशन भी हुए सर, पूरे मोटेशन कैंसिल होना है और वो लोगों के ऊपर FIR होना इमीडिएट। सेड़म की वक्फ प्रॉपर्टी दरगाह हजरत सादत सुन्नी सेड़म हो, जिसका सर्वे नंबर 605, 625, 611, टोटल लैंड ये 69 एकड़ 19 गुंटा है। पिछले मैं अढ़ाई साल से ये प्रॉपर्टी को लेकर मैं वक्फ बोर्ड को रुजू हुआ सो था और मैं बराबर अपडेट तक मैं फॉलोअप में हूँ। कुछ लैंड गिरावरों के साथ मिलकर ये प्रॉपर्टी को फेक अन्य ऑफिसरों को रिश्वत देकर, फेक अन्य कराकर ये प्रॉपर्टी को 90-60% प्रॉपर्टी बेच चुके हैं। आज मैं जो आया हुआ हूँ वक्फ बोर्ड को, ये मुतवल्ली के फैमिली के नाम से पूरी प्रॉपर्टी मोटेशन हुई सो है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेयरमैन साहब को और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब को ये बोले हुआ हूँ, पहले ये जो मुतवल्ली है अनवर बेग, उनका नाम पहले डिस्क्वालीफाई करना, डिलीट कर देना अजीत से, मुतवल्ली शिप को ख़त्म कर देना। सेकंड, ये जितने भी सर्वे नंबर है तीनों, उसमें जो जो भी मोटेशन हुए सो उनके फैमिली मेम्बरों के नाम से, वो पानी में नाम डिलीट होना, दोबारा वक्फ बोर्ड के नाम से आ जाना, एंट्री होना, और जो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों के खिलाफ FIR होना इमीडिएट, और वो ज़मीन जो भी ज़मीन है वो ज़मीन को वक्फ बोर्ड कब्जा ले लेना। मैं एक हफ्ते का टाइम दिया हुआ हूँ चेयरमैन साहब को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब को, उन्होंने मेरे को वादा करे हुए हैं इंशाल्लाह 15 दिन में ये जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ FIR करेंगे और वहाँ की जो ज़मीन है उसको कब्जे में ले लेंगे, बोलकर वादा करे हुए हैं मेरे से। और मैं उम्मीद करता हूँ ये लोग मेरे कंप्लेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे और इंशाअल्लाह अगर मैं 15 दिन में अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं वक्फ बोर्ड के सामने मैं धरना दूंगा इंशाअल्लाह, ठीक है।